सो गाइस वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोहेब, आप मेरा चैनल देख रहे हैं सोहेब मोदी। आज एक नया पार्सल आया है हमारे पास अमेजन से, हाँ अमेजोन से, जो कि है हमारा पावर सीपीयू कूलर। सो सबसे पहले बॉक्स डिसलेंट चेक कर लेते हैं। तो मैं इस तरफ से कट ही कर लेता हूँ इसे, इतना कुछ करने। हमारा एयर कूलर है तो इसकी टू ईयर्स की वारंटी है, तो ये बात अच्छी, मैंने ध्यान दिया नहीं था इसके बारे में। और यहाँ पर कुछ इंग्लिश में लिखा है, आप भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसे रखते हैं साइड में। सो गाइस इसकी फर्स्ट लुक में क्या दिख रहा है, ये माशाल्लाह बहुत प्रीमियम लग रहा है गाइस। और इसके अंदर और क्या क्या है देखते। तो इसके अंदर एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ सामान है, तो इसे निकालते हैं बाहर। तो गाइस इसमें दिया गया है आपको स्टैंड जो कि मदरबोर्ड पे फिट होगा और उसके ऊपर ये सीपीयू कूलर फिट होगा। तो ये रहा हमारा स्टैंड, तो बॉक्स को रख देते साइड में, देखते क्या क्या मिला। हमें मिला स्टैंड और इसमें एसेंशियल इवन थर्मल कंपाउंड यानी थर्मल पेस्ट है,
चार इसकी स्क्रूज है जो कि इसको अपने कूलर को, सीपी कूलर को और मदरबोर्ड फिट करेंगे, और चार नरम वाले रबर ग्रोसेप्स जिससे कि वाइब्रेशन वगैरह पीसी में ना हो। और गाइस चलते हैं सीपी कूलर की ओर, तो बहुत ही प्रीमियम लुक है गाइस, बहुत ही प्रीमियम। क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइज, इसको मोड़ने में बहुत काफ़ी पावर लग रही है। सो गाइज ये रहा इसका नीचे कॉपर हीट पाइप दी गई है, और ये हमारा 90 mm का कूलर मास्टर का फैन जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक है गाइज, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर लिखा गया है वारंटी वॉइड इफ रिमूव, तो स्टिकर को हमें नहीं निकालना है। और 3-pin मदरबोर्ड पावर कनेक्टर है गाइज इसमें, और ये गाइज फर्स्ट लुक में यार क्वालिटी तो बहुत भारी है कूलर मास्टर की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश में कितना ये चमक रहा है, कूलर मास्टर का लोगो दिया गया है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर पाइप से जो कि इस तरह से जा रहे हैं नीचे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो होता क्या है गाइस, आपका प्रोसेसर जो हीट प्रोड्यूस करता है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ये कॉपर पाइप से ये हीट सोख लेते हैं, और हीट जाती है ऊपर, ठीक है, इन वेंट्स में। और ये जो एल्यूमिनियम की दिख रही है गुड कंडक्ट, ये ठंडा करने के लिए बहुत अच्छी होती है गर्मी को। तो होता क्या है, फैन घूमता है स्पीड से और एयर इसमें, इसकी एयर इसमें डालता है फ्लो में इस जाली में, और जिससे कि ये कॉपर पाइप्स को हवा लगती है, जिससे कॉपर पाइप्स इसकी जो रिड्यूस होने वाली गर्मी है इसे फिनिश कर देता है, जिससे आपका सीपीयू कूलर अपना जो सीपीयू होता है वो ठंडा रहता है। और गाइस इस तरफ से एक लॉक है और इस तरफ से एक लॉक है। दरअसल होगा ऐसा कि हम इसको रखेंगे ऐसा मदरबोर्ड पे और इसको इस तरह से बिठाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो, और बिठाने के बाद ये जो क्लिप लॉक है मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कैसा होता है, कैसा बिठाएंगे हम आगे। तो ये यहाँ पर ऐसा इस तरह से आ जाएगा गाइस, और दूसरा वाला थोड़ा सा हम पावर लगाएंगे तो ये भी लॉक हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा शायद दिखाने यहाँ पर इस तरह से क्लिप में आ जाएगा, और दूसरा वाला यहाँ पर हम थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें निकाल बिठा सकते हैं, और ये अच्छे से फिट हो जाएगा कूलर मास्टर। वाकई में यार वायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, चीप वीप का इसमें कोई शॉर्ट ही नहीं है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते फैन और सीपीयू कूलर के बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये एक दरअसल एक नरम सा रबर पैड से यहाँ पर चारों तरफ दिया गया, जिससे कि जो फैन तेज़ी से घूमेगा तो इसकी वाइब्रेशंस ये सूख लेगा, जिससे कि कूलर के थ्रू अपने मदरबोर्ड में ऐसा वाइब्रेट नहीं करेगा ये, जब ये फुल पोटेंशियल पर जब ये चलेगा अपने हाई स्पीड पर। फैन की क्वालिटी प्रीमियम ऑफ द प्रीमियम है, और सीपीयू कूलर भी फुल प्रीमियम है गाइस, वाकई में है बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। तो ये था गाइस आज के वीडियो में, आगे मैं इसमें इसको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसकी जॉइंट कर दूंगा इसकी और अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम अपना सीपीयू कूलर को मदरबोर्ड में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल इस पर वीडियो बनाऊंगा। और कैसा लगा आपको ये सीपीयू कूलर, तो मिलते हैं, बाय बाय। चलिए अच्छे से ले। सो गाइस सबसे पहले इस ब्रैकेट को रखना है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से ये क्लिप्स एक ऊपर एक नीचे क्लिप्स है, देखिए हम देखा ये ऊपर नीचे आनी चाहिए ये जो क्लिप्स है, ठीक है ये वाली। उसके बाद इसमें जो स्क्रू आएगा वाइट वाला पहले उसे डाल देना है, उसके ऊपर ब्लैक वाले डाल के दबाना है ज़ोर से, तो ये आर पार निकल के फिट हो जाएगी, तो ये चारों फिट हो जाएंगे। याद रखना है इस तरह की क्लिप एक नीचे होनी चाहिए और एक ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद थर्मल पे इसको मैंने डाला है, यहाँ पर थोड़ा फैला गया है, थोड़ा पहाड़ बना दिया है। उसके बाद पकड़ तो ये रहा सीपीयू कूलर, तो अच्छा लिया इसका। तो सबसे पहले स्टिकर निकालना ना बोले वरना उड़ा देंगे आप किसी को, तो ये निकल गया। उसके
बात सबसे खतरनाक काम ये, सबसे पहले जो इसमें दो क्लिप से देखिए, एक बड़ी वाली क्लिप से एक छोटी वाली क्लिप है, तो आपको सबसे पहले छोटी वाली क्लिप को लगाना है। यहाँ पर आएंगे, छोटी वाली क्लिप लगाई, इसको रखा, टर्न किया, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, बजाना नहीं जा रहा है। तो गाइस यहाँ रख के हमने क्लिप कर दी लॉक, इसको बस रखना है इधर से क्लिप लाकर आपको दबा के फिट करना है, और ये देखिए बहुत अच्छे से फिट हो चुका है। तो बस इतना ही था, और उसके बाद आपको इतना ही करना है कि इसकी जो फैन, हो गया बस इतना ही है, बाकी बाखूद ये जैसे आप चालू करेंगे घूमने लग जाएगा। बस थैंक यू बॉयस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आप लाएंगे अगला कुछ, बाय, सी यू, कर देंगे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जोहेब मोदी, और उसके बाद इस बेल के आइकॉन को दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियोस देखने मिले सबसे पहले।